हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ एक मेरे बहुत ही क्लोज मित्र हैं जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग को संभालते हैं, ब्लिस की वेबसाइट्स, ब्लिस के पेजेस। और उनके अंदर एक कुछ अलग सी एक्साइटमेंट है, जब बहुत सारे क्लाइंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज लिखे और बहुत सारे लोगों ने अपने कमेंट्स लिखे, तो उनको कुछ ऐसी एनर्जी उनके अंदर आई जो उनको यहां तक खींच के ले आई, और वो चाहते हैं कि आज मेरे से उस बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उनके कुछ नए क्वेश्चन है, आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको ऐसी क्या उत्सुकता हुई कि वो आज मुझसे मिलने आए हैं, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड। पारस जी, आपका वेलकम है। एंड मैं जानना चाहूंगा, व्हाट इज दैट व्हिच ब्रॉट यू हियर एट ब्लिस? मनीष जी, इसमें दो मेन कारण है। मैंने जैसे फोन में आपको उधर ही बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर वापस बताता हूँ कि जैसे हम काफी टाइम से ब्लिस का डिजिटल मार्केटिंग देख रहे हैं, ठीक है, तो अपनी जो ये थेरेपी है हाइड्रोकोलन थेरेपी, उसको लेके क्या है कि काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी बहुत पूछते थे जी, और जो लोग ऑलरेडी सर्विस ले चुके उसके अप्रिसिएशन भी आ देते हैं। तो ये पेंडेमिक के चलते दो महीने से मैं भी घर पे था, सबको ये इश्यूज है। हाँ, और दूसरा क्या था कि अब घर पे थे तो खाना भी चलता था, वर्कआउट कुछ था नहीं, ठीक है। तो कुछ कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ पेट में से मुझे इतना वो हल्कापन नहीं लग रहा, पहले क्या था कि नॉर्मल मेरा रूटीन था, ब्लॉटेडनेस। हाँ, जैसे तो ये सारी चीजें जो है थोड़ी थोड़ी, मैंने जैसे आपको फोन पे बताया था वैसी चीजें मुझे फील आ गई। तो मैंने दो चीजें, एक तो ये कारण मेन था मुझे आने का, दूसरा था कि अपने जो क्वेश्चन है जो हाइड्रोकोलन को लेके काफी लोगों के लिए है कि भी ये कैसे काम करता है, इसे बेनिफिट्स क्या होते हैं, कौन ये ट्रीटमेंट ले सकता है, आफ्टर ट्रीटमेंट क्या ध्यान में रखना है, कोई फूड हैबिट चेंज करना है कि नहीं करना है। तो ये भी था कि हमारे पास एक लिमिटेड नॉलेज है, हर बार मैं आपको फोन करूं पूछूं, हर बार आप भी बिजी रहते हैं, तो बेहतर है कि मैंने कहा एक बार में जाओ, मेरे भी डाउट्स क्लियर हो जाए और जो यूजर्स के डाउट जो मैं लिख के आए हूँ वो भी क्लियर हो जाए। तो इसी बारे में मुझे आपसे बात करनी है, और ये मेरे लिए भी फायदेमंद होगा और अपने जो यूजर्स है, जो ब्लिस के फॉलोअर्स है और दूसरे भी जो लोग हैं उसके लिए भी फायदेमंद होगा। सही बात है, डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, डेफिनेटली। मैंने जैसे डिटॉक्स लिया है तो मुझे पता है कि उसके बेनिफिट्स क्या है, जैसे आपको इसी वजह से डिटॉक्स गुरु या डिटॉक्स एक्सपर्ट किया जाता बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, तो अपने हाइड्रोकोलन के लिए मुझे थोड़ा सा बताइए कि ये किसके लिए बेनिफिट है, किसके लिए कारगर है, कैसे लिया जाता है या क्या ट्रीटमेंट होती है, थोड़ी बहुत आफ्टर ट्रीटमेंट हमें कुछ ध्यान में रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि क्या है कि जो मुझे जितना नॉलेज है, जैसे लोग भी देख रहे हैं या जो भी लोगों के दिमाग में भी होगा कि कुछ भी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट एक बार लेने से 100% उसका उसको हमें भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, फूड हैबिट्स वो सब, तो वो सारी चीजें थोड़ा सा। मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ। हाँ। देखिए, आपके क्वेश्चंस के अंदर ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और भी छुपे हुए हैं जो आपने स्टार्टिंग में, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा कि पेंडेमिक के बाद जो हेल्थ इश्यूज आए और हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हम उसको कैसे अटेंड करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि पेंडेमिक के बाद न्यू नॉर्मल ऐसा है कि आपकी हेल्थ इज न्यू नॉर्मल। जब तक आपके पास हेल्थ नहीं है, आप नॉर्मल इंसान ही नहीं। पहले क्या होता था, ऑबेसिटी है कोई बात नहीं, हम टैकल कर सकते हैं। अगर हमारे को कुछ लंग्स का इश्यू है, हम टैकल कर सकते हैं। अगर हमारे को कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कोई भी बॉडी का मेजर प्रॉब्लम है, हम कुछ ना कुछ मेडिसिन लेके या अपनी लाइफ को किसी भी तरह टैकल कर लेते थे। मगर अब ऐसा है क्योंकि वायरसेस का अटैक, ऐसे वायरसेस का अटैक जिनकी अभी वैक्सीन भी नहीं बनी है, उनके साथ हमारी बॉडी को डील करना है। बॉडी को डील करने का मतलब क्या है, इम्यूनिटी खड़ी करनी है। होता क्या है, जब भी कोई वायरस अटैक हमारी बॉडी पे आता है तो हमारी बॉडी अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स बनाती है, मतलब कि आपकी एंटीबॉडीज क्रिएट करती है, और वो एंटीबॉडीज फाइट करते हैं किसी भी वायरस के लिए। अब अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो एंटीबॉडीज नहीं खड़ी कर पा रही है, तो डेफिनेटली उसको वायरस को फाइट करने के लिए बहुत ही मेहनत लगेगी या फिर वो नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण डेथ रेट बढ़ जाएगा। तो ये हमारी बॉडी की, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज हुई तो वो हुई इम्यूनिटी, राइट? तो इम्यूनिटी के साथ अगर हमें काम करना है, और इम्यूनिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर लाइफस्टाइल एंड अवर फूड, विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर गट एंड गट हेल्थ, जो आप कहते हैं या स्टमक हेल्थ या हमारी बोवल्स। तो जो लाइफ आफ्टर पेंडेमिक क्या है कि हर एक इंसान को सबसे पहले फिटनेस चाहिए, और फिटनेस तभी उसको मिलेगी जब उसका एक मेटाबॉलिक रेट, मतलब आप जो भी खा रहे हैं उस तरीके से आपकी बॉडी में पच जाए। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है,
हाइड्रोकोलन बेसिकली 90% रिलेटेड है आपके स्टमक प्रॉब्लम से, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड टू है आपके 100% ऑर्गन से। तो हम ये समझते हैं, आज आपको समझाने की कोशिश करता हूं और मेरे व्यूअर्स को भी जो ये सुन रहे हैं कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम हमारे जो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फिर हमारे ऑर्गन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो शुरू कहां से होती है। क्योंकि जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा, अगर हम सुपरफिशियली कुछ काम कर भी देंगे तो आपको टेम्परेरी तो रिलीफ मिलेगा, बट लंबे टाइम के लिए आप उसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो राइट, तो सबसे पहली प्रॉब्लम देखिए, कुदरत ने, मैं हमेशा हर एक वीडियो में लोगों को याद करवाता हूं, और कोई अच्छी चीज है उसको बार बार बोलने में कोई भी बुराई नहीं है, कि कुदरत ने हमको दांत यहां दिए हैं मुंह में। मतलब जब आप पहला अपने खाने का कोई भी चीज डील करते हैं तो आपके मुंह से एनीथिंग विच गोज इन साइड योर बॉडी इज गोइंग थ्रू योर माउथ, जो आप खा रहे हैं, राइट। और ये खाने अगर हमारे दांत एकदम यहां पर है, हमारे फर्स्ट जो चीज है वो दांत अटेंड करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मतलब क्या है इसका, कुदरत ने हमें बताया है कि हमें जो भी चीज हम खा रहे हैं उसको प्रॉपरली च्यू करना है। और ऐसा कहा गया है कि आप तब तक मतलब जो वस्तु है, खाने वाली वस्तु को इतना चबाएं कि वो पीने लायक हो जाए, और पीने वाली वस्तु को उतनी देर मुंह में रखें जैसे कि आप खा रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंस आपको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं और अगर आप खुद भी रियलाइज करें, अगर आपको स्टमक के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी च्यूइंग हैबिट आपको सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि हमारे आंतों के या हमारे पेट के दांत नहीं होते। अगर कोई अनडिजॉल्व फूड आपके अंदर चला जाता है तो वो अच्छे से डाइजेस्टेड नहीं है, मतलब अच्छे से च्यूएबल नहीं हुआ है, इसलिए वो आपकी आंतों पर जाके, आपकी इंटेस्टाइन पर जाके चिपक जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो वहां पे सड़ने लगता है और वो जो सड़न टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, और ये टॉक्सिन्स आपकी बॉडी को हर जगह से टॉक्सिन्स कर देते हैं, क्योंकि ये जो टॉक्सिन्स हैं वो रिवर्स में जाके आपके ऑर्गन के साथ, जिसको हम लीकी गट कहते हैं, राइट, तो लीकी कोलन कहते हैं, वो जाके वो टॉक्सिन आपके ब्लड में वापस और ऑर्गन्स को टॉक्सीफाइड कर देती है, जिसके कारण बीमारियां आती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है द फूड शुड बी प्रॉपरली च्यूड। सेकेंडली, हम लोग इमोशनल लोग हैं, ज्यादातर अपनी हैप्पीनेस फूड के साथ ढूंढते हैं, और इस पेंडेमिक के बाद जब हमारे इमोशनल हैप्पीनेस हमें अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल रही, हम मूवीज देखने जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, रिलेटिव्स को मिलते थे, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो हम इमोशनली बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, राइट। तो हम मैक्सिमम हैप्पीनेस फूड से लेना चाहते हैं, बट हमारे फूड में ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत स्टिकी है और उसको डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लगता है, और वो सारी चीजें हमारे कोलन पे जाकर चिपक जाती है, और कोलन का जो एक डायामीटर है वो धीरे धीरे नैरो होने लगता है, और वो सारे गंदगी जो अनडिजॉल्व फूड है उसको मैं ऐसा कोई स्टूल नहीं कहूंगा, या हमारी पॉटी है वो नहीं कहूंगा, लू नहीं कहूंगा, पू नहीं कहूंगा, वो हमारा अनडिजॉल्व फूड है, बट वो डेफिनेटली डायमीटर को छोटा कर जाकर दर्शन आ रही है, और ये जो गंदगी हमारी वॉल्स पे चिपक रही है, मैं आपको इससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो खाना हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो उसको खाने को तोड़ता है, और उसमें से न्यूट्रिशंस जो है वो आपका बॉडी एब्सॉर्ब करती है, और जो डाइजेस्ट करने के बाद जो कचरा है वो आपकी छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में आता है। तो ये वो 6-7 फीट लंबी आंत है जिसको हम कोलन कहते हैं। बेसिकली जो आपके पास जितने भी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं हाइड्रोकोलन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, या लोग हाइड्रोकोलन के बारे में जो लोग यहाँ से सेशंस लेके जा रहे हैं और उनको बहुत फायदा मिल रहा है, तो बेसिकली हम इसका क्लींस करते हैं, इसको क्लीन करने से आपके जो अगला क्वेश्चन था कि ये कौन लोग ले सकते हैं और इसको कैसे क्लींस किया जाता है, वो उस पर बात करते हैं। कि आपने एक बार समझ लिया कि अब लेटर्स से कि किसी भी इंसान का, अगर आपका भी, अगर आपको भी पेंडेमिक के कारण स्टमक इश्यूज आ रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि आप या तो खाना अच्छे से चबा नहीं पा रहे, या फिर ऐसा खाना खा रहे हैं जो यूजुअली ज्यादा लंबा टाइम ले रहा है उसको पचने में, राइट। तो वो कहीं ना कहीं जाके आपके पूरा कोलन से क्लियर नहीं हो पा रहा है और वो वहां पे स्टिक कर रहा है,
उसके करने के कारण कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंगनेस, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स और ऐसी कई सारी बीमारियां जो स्टमक रिलेटेड है सबसे पहले तो वो देखने शुरू होते हैं। और फिर जब ये टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, बहुत एक्सेस हो जाती है, तो ये ब्लड के थ्रू रिवर्स होने लग जाती है हमारे ऑर्गन्स के अंदर। तो हमारा जितना भी टॉक्सिन्स रिलीजिंग सिस्टम है, जैसे कि लीवर है, हमारा किडनीज है, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम है, ये सबको ब्लॉक करने लग जाता है। तो हमारी टॉक्सिसिटी, अगर हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, तो खाली हमारे को स्टमक डिटॉक्सिफाई नहीं, स्किन डिटॉक्सिफिकेशन, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन, किडनीज डिटॉक्सिफिकेशन, हर एक लेवल की डिटॉक्सिफिकेशन, लिम्फेटिक ड्रेनेज सिस्टम, जो आप खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट होकर बाहर चला जाए, ये सिस्टम 100% काम करना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि हमारी जो गट है वो हेल्दी होगी, राइट। तो ये जो आपको, अब हम कोलन की बात करें, कोलन 6 से 7 फीट लंबा होता है, और इसको अगर हम कोलन को समझें तो हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। तो कोलन की इतनी लंबाई होने के कारण कोलन एक बार में 100% साफ नहीं हो पाता, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गैसेस ऑलरेडी, अंदर बहुत सारे ब्लॉटेडनेस है, गैसेस है, बबल्स है। अगर कुछ लोगों को स्वीट्स ज्यादा खाने का शौक है तो इसके अंदर स्वीट बबल्स भी रह जाते हैं, अनडिजॉल्व फूड भी रह जाता है, नट्स रह जाते हैं, कई बार सीड्स मिलते हैं, और कई सारे लोगों को अंदर से कीड़े तक पेट में से निकलते हैं। वो जो लास्ट कोलन है, जो असेंडिंग कोलन है, वहां पे सारी चीजें ब्लॉक होकर पड़ी रहती है। तो जब हम आपको पहला सेशन देते हैं तो ज्यादातर डिसेंडिंग कोलन ही क्लियर हो पाता है। अच्छा, अगर अब आप पूछना चाहेंगे कि कौन लोग ले सकते हैं, एक्चुअली ये कोई भी इंसान ले सकता है और ये सेफ है। इसके अंदर हम एक छोटी सी ट्यूब, जो कि एक इंसान के ऊपर एक बार यूज हो सकती है, और उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, तो सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखना चाहते हैं, तो उसको हम रीयूज नहीं करते कभी भी। तो वो स्पेकुलम उसके आगे लगा होता है, जो धीरे से इंसर्ट करते हैं रेक्टम के अंदर, और इसके अंदर कम से कम 40 मिनट्स का ये सेशन चलता है। इसके अंदर हम लगभग 40 लीटर्स तक पानी यूज करते हैं। जैसे आपको मोशन होता है, कई लोग इसको अनीमा के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। अनीमा क्या होता है, बहुत छोटे लेवल पर काम करते हैं, राइट। वो 1 या 2 लीटर पानी अंदर जाता है, आप उसको होल्ड करते हो, रिलीज करते हो, तो वो छोटे लेवल तक क्लीनिंग ही हो पाते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, रिपीटिवली आपके मोशंस बबल्स आते हैं और वो उसको क्लीन करते रहते हैं। लेट अस से आपने 1 लीटर जो नॉर्मल ग्रेविटी के ऊपर, कुछ इसके ऊपर स्ट्रेन नहीं दिया जाता पानी, जितना आपकी बॉडी आप उसको होल्ड कर सकते हैं, एब्सॉर्ब कर सकते हैं, आप उसको लेते हैं, उसको होल्ड करते हैं। जब आप होल्ड करते हैं तो वो वाटर जो है उसकी वॉल्स, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, इसकी इंटरनल वॉल्स, यहाँ पे ये सारा कचरा इस तरह से चलता है। तो जैसे आपने वाटर अंदर होल्ड किया तो इसको क्लीन करने लगता है, और इस टाइम आपको मोशन की फीलिंग आती है, आप उसको रिलीज करते हैं। और जैसे 40 मिनट्स तक आप धीरे धीरे एक एक लेवल धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लग जाते हो, और जब कई बार आपको प्रेशर बहुत ज्यादा फील होता है, मतलब जो गैसेस ने अपना रास्ता बना रखा है, जो उसको नीचे नहीं आना देना चाहती, सबसे पहले वो रिलीज होगी, और वो आप बबल्स के रूप में देखोगे। जब आप ये सेशन ले रहे होते हैं तो आपके सामने एक स्क्रीन चल रही होती है, उस स्क्रीन में आपको कचरा बाहर निकलता हुआ, जो अनडिजॉल्व फूड है वो निकलता हुआ दिखता है, उसके सारे अंदर बहुत सारे म्यूकस, जो चिकनाहट या बहुत सारे ऐसे उसका कलर, जैसे अगर कोई ग्रीनी है, कभी डार्क ब्राउन है, कभी उसका थिकनेस है। देखो हमारा स्टूल कैसा होना चाहिए, स्टूल बेसिकली बनाना शेप होना चाहिए, हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते कि व्हाट इज लेफ्ट। हम उन जानवरों के, अगर आज एक डॉगी को आप देखो, वो हमेशा वो कैसे करता है अपना मोशन, आप देखिए, उसके बाद वो थोड़ा स्मेल अराउंड करेगा, थोड़ा घास को करेगा, बट वी नेवर सी व्हाट वी आर Done it. हम क्या रिलीज कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या हमारा स्टमक रिस्टोर हम कैसे करेंगे, जब तक हमें हमारे स्टूल के बारे में, हमारे फीकल के बारे में पता ही नहीं। अंडरस्टैंड, तो हमारे को हमारी गट हेल्थ, कि हमारे स्टमक में क्या चल रहा है, वो हमारे इसी से पता चलता है, जो हमारा मोशन, हमारा स्टूल बाहर आता है। और हम भी आपको गाइडेंस तभी दे पाते हैं जब हम लाइव उसको देखते हैं, कि क्या आपका जो स्टूल बाहर आ रहा है उसका कैसा कलर है, क्या आपकी बॉडी ज्यादा टॉक्सिन्स
पकड़ के बैठी है, आपकी बॉडी ज्यादा अल्कलाइन है या एसिडिक है, या वो कीड़े मरे हुए जो पुराने अंदर पड़े हैं वो निकल रहे हैं, तो हमारे को थोड़ा हिस्ट्री समझना। तो कोई भी इंसान इस गट को क्लियर कर सकता है, जो हेल्दी है वो अपनी जनरल डिटॉक्सिफिकेशन कर सकता है। बट अगर कोई इंसान को एक्चुअली स्टमक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आप अपनी बात कर रहे हैं, तो इट इज रिकमेंडेड कि आपको एक बार में एक सेशन और उसके 3 या 4 डेज के बाद सेकेंड एंड फिफ्थ थर्ड, ये 3 सेशंस का कोर्स करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप पहला सेशन लेंगे तो आपका डिसेंडिंग कोलन जो है क्लियर होगा, डिसेंडिंग पार्ट। फिर ये जो ऊपर ट्रांसवर्स कोलन के अंदर गंदगी पड़ी हुई है, चिपकी हुई है, तो वो क्या करेगी, धीरे धीरे मूव होना शुरू करेगी, तो वो थोड़ा और लूज होगा। और जब हम सेकंड सेशन लेंगे तो आपको इसका बेनिफिट बढ़ेगा। एंड सिमिलरली द थर्ड वन, तो थर्ड वन लेंगे वहां पे म्यूकस गैसेस एंड ये सारे के सारे जितने वॉर्म्स, ये सारी चीजें पड़ी जाएगी। बट अभी भी कंजशन हैवी है, अगर आपको ऐसा मिले बहुत ही ज्यादा यू नो अनडिजॉल्व फूड वेस्ट बाहर निकल रहा है, तो हम 3 की बजाय 6 सेशंस में चले जाते हैं। और एक बार क्लीन होने के बाद फिर 2 से 4 महीने के बाद आप एक सेशन खाली मेंटेनेंस के लिए लीजिए, या फिर 6 महीने में भी आप एक बार मेंटेनेंस के लिए, बट डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है। तो जो लाइफ आफ्टर पेंडेमिक जो है हम बात कर रहे हैं, या हाइड्रोकोलिन की बात कर रहे हैं, तो आपका स्टमक का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इम्यूनिटी के कारण के लिए, यू नो, बिकॉज अगर ये आपकी गट स्ट्रॉन्ग है तो आपके ऑर्गन स्ट्रॉन्ग है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, आपका फ्लोरा स्ट्रॉन्ग है जो डाइजेस्ट करता है फूड को, अंडरस्टैंड। और अगर वो स्ट्रांग है, आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो रही है, आपका बॉडी लिवर अच्छे से जितने भी न्यूट्रिशन, आप कितना अच्छा खाना खाते होगे, अपने हिसाब से नट्स खाते होगे, फाइबर खाते होगे, हर चीजें खाते होगे, फिर भी आपको स्टमक इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो अंदर बैक्टीरिया है वो डिस्टर्ब है। और काफी सारे लोगों को ये सवाल रहता है कि सेशन के बाद फ्लोरा डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया जो है खराब तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम आपको गाइड करते हैं, आपको फूड गाइड करते हैं, विद इन 24 या 48 आवर्स वो नॉर्मल हो जाता है। आपको ज्यादा जो ऐसा फूड सजेस्ट करते हैं जो प्रोबायोटिक्स देता है, जो इसको नॉर्मलाइज करता है। सो दिस इज वेरी, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये हाइड्रोकोलन क्या था और इसको कौन लोग ले सकते हैं, और जिनको प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आना है। स्टमक के अलावा काफी सारे लोगों को दूसरे इश्यूज हैं, जैसे लिवर का इश्यूज है, किडनी का इश्यूज है, या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स है, थायराइड इश्यूज है, गैसेस अगर बहुत ज्यादा बन रही है, या फिर पेन्स हैं, ज्वाइंट पेन्स हैं, तो जो गैसेस है वो रिवर्स करके इन ज्वाइंट्स में जाके होल्ड हो जाती है। जब हम इनको स्टमक को क्लियर होता है तो रिवर्स होकर गैसेज वापस स्टमक में आती है, और जिस पॉइंट के ऊपर वो आपको ज्यादा पेन कर रही है वो रिलीज होता है। वो रिलीज होने के बाद जब स्टमक में से गैसेज कम हो जाती है तो डेफिनेटली आपका जो पेन है उसमें रिलैक्सेशन। सो दिस इज, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके साथ कैसे करना है। तो और आप क्या जानना चाहते हैं, मतलब आपको ये इतना चीज क्लियर हो गया? हाँ 100% सर, क्योंकि आपने जो बोला था मुझे फोन में भी कि सर बस ये मैं फोन पे तो नहीं बता सकता, एक बार मिलिए, तो सही है कि इतना डीपली जो आपने मुझे समझाया है तो काफी बार काफी चीजें मैं भी समझ पाया हूँ, अपने व्यूज भी काफी चीजें समझ पाए, उसके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। तो मुझे पहले ऐसा लगा कि हेल्दी इंसान को लेने की जरूरत है या नहीं है, किसी एसिडिटी गैसेस वाले प्रॉब्लम है उसी लोगों के लिए बेनिफिट है कि नहीं, लेकिन आपके हिसाब से जो मैं पता बेसिक जो समझा जी, मैं आपको एक और चीज इसका एड ऑन करूंगा। जैसे हमारे घर का वॉशरूम होता है, उसकी पाइप्स होती है, लंबे टाइम तक हम वॉशरूम यूज करते हैं तो आप देखते हो उसके अंदर कालापन गंदगी इकट्ठी हो जाती है, ये हमारा इंटरनल वॉशरूम है। अगर वो ब्लॉक होने के बाद सीपेज, गंदगी, कीड़े और स्मेल आती है, तो ये ब्लॉक होने के बाद बीमारियां, डायबिटीज, थायराइड, बीपी, आर्थराइटिस, बॉडी पेन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हार्ट इश्यूज, ये वही है, आप समझिए, तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट। अगर घर का वॉशरूम अगर हम रोज साफ करते हैं और एक हेल्दी इंसान का वॉशरूम जो दिख नहीं रहा बट इंटरनली कितना गंदा हो चुका है, अगर हम उसको भी साफ करेंगे तो डेफिनेटली हमारे घर के साथ साथ और हमारी बॉडी दोनों ही हेल्दी हो सकती है। तो अभी तो सारे डाउट्स मेरे तो क्लियर है, क्या सेशन लेने चाहिए वो भी आपने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, हेल्दी इंसान को 1, 2 या 3 और इसके बाद मेंटेनेंस के लिए 1 सेशन लेना चाहिए वो भी मुझे आइडिया आ गया। तो अभी मैं एक बोलते हैं ना कि देखना है कि भाई मुझे
पर्सनली एक सेशन लेना है और यस डेफिनेटली हम एक काम करेंगे, आपका नेक्स्ट सेशन जब लेंगे तो हम वीडियो शूट करेंगे साथ में और आपसे और कैसे हम लाइव सेशन देते हैं, क्योंकि हम कुछ मसाजेस करते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर, ताकि वो जो जमा हुआ वहाँ पे फीकल पड़ा हुआ है या अनडिजॉल्व फूड है तो बाहर निकले, तो हम उसके ऊपर एक सेकंड करेंगे जहाँ पे हम पारस जी को लाइव सेशन देंगे और आप हमारे व्यूअर्स भी उसको देख पाएंगे और आपको भी मजा आएगा और आप लाइव ही देख पाओगे कि एक्चुअली जो आपने पहले आके समझा और सेकंड लेवल पे जब उस सेशन को कंडक्ट किया, क्या वो लोगों को बहुत डर है कि शायद बहुत पेनफुल है और कुछ भी नहीं है ऐसा है। काफी लोगों ने पूछा भी था कि सर ये एनिमा की जैसे है कैसा है, तो मैंने उस टाइम पे भी आपको पूछा था कि सर इसका कैसे प्रोसीजर है, तो हमने जैसे प्रोसीजर वीडियो भी डाला है लेकिन वो लोगों के दिमाग में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं खुद एक सेशन लेके फिर वापस ट्राई करूंगा कि लोगों अपने जो यूजर्स है व्यूअर्स है उसको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊंगा। डेफिनेटली। तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं पारस जी से, जब उनका नेक्स्ट सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा लाइफ हाइड्रोकोलन थेरेपी।